पड़ोसियों द्वारा आए दिन मारपीट किए जाने से परेशान महिला ने हमीरपुर डीएसपी रेणु शर्मा से मुलाकात करके न्याय की गुहार लगाई है। नदौन उपमंडल के गांव रुहाल की निवासी कुसुम लता और उसकी बेटी रीना ने डीएसपी हमीरपुर को शिकायत लिखकर जल्द आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। हमीरपुर जिला के नदौन उपमंडल के तहत आने वाले गांव रुहाल में पड़ोसी परिवार के सदस्यों द्वारा की गई मारपीट की शिकायत मां बेटी ने डीएसपी रेणु शर्मा से की है। पीड़िता कुसुम लता तथा उसकी बेटी रीना शर्मा ने डीएसपी रेणु शर्मा को अपने साथ हुई इस मारपीट की व्यथा सुनाई। पीड़िता कुसुम लता का आरोप है कि मारपीट में गंभीर चोटें लगने के बावजूद भी पुलिस थाना नदौन ने बिना कार्यवाही किए मेडिकल में रिपोर्ट नॉर्मल लिख दी है। उन्होंने बताया कि गत दिवस मेरी बेटी पशुशाला में भैंस को पानी तथा घास डालने गई थी तो पड़ोसी चाचा राजेंद्र पाल तथा उसका बेटा बिना वजह गाली गलौज पर उतर आए। दोनों इतने क्रोधित हो गए तथा उसके आंगन तक पहुंच गए। इस दौरान दोनों मारपीट पर उतारू हो गए। कुसुम लता ने बताया कि अब अपने पड़ोसियों पर कोई भरोसा नहीं रहा है। पड़ोसियों ने डंडों से पीटकर उसे लहूलुहान कर दिया, जिसके अलावा उसके शरीर के कई हिस्सों में मारपीट की गहरी चोटों के निशान पड़े हैं। अब अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन से यह गुहार लगाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। हमारे साथ ये लड़की भैंस को पानी घास डालने गई थी, फिर ये घर को आई। ये लड़का जो है ये गाली गलौज कर रहा था अपने घर में। ये मेरी लड़की भी आकर अपने नंगे को ऊपर कपड़े डाले थे, उनको आई नीचे को उसको उठाने के लिए। ये लड़का अपने घर से गाली देता देता इसको लड़की को देख के आगे आगे हमारी गलती आ गई। इस लड़की को मेरी जैसे ये गाली दे रही है, ये लड़की बोली चाचा जी आप गाली क्यों दे रहे हैं हमारी को, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बार बार हमारे को गाली देते हैं, उन्हें ऐसे करते हैं आप। फिर इस लड़की ने उसने ऐसे बोला था, ये लड़की ऐसे पकड़ी है ना नीचे ले बोले यार वहां बोली थी दस्ता में कहते ये लड़ाई करेगा कितना डंगा मैं आई बार नहीं ही डंगा ही मारी थी सिरा च कुड़िये दे कर बुढ़ आया तो तेने इहल मारी थी कहना मनुआ मेरे सिरा च मारी थी इतो। फिर जिसके बाद इन्हें डांगा लगे सो इटा ही पत्थर ही जिन्होंने भी इतो सिरा च मारना लगे मारते यहां अपने अपना बचा करते करते हथ पाई बाजू च भी लगी गई मुनियो पिट्ठी च लगी गई इन्हें बंगा बनी खलोचा इन्हें थोड़ी थोड़ी खलोचा इन सारी गो चोटा लगी ठान नदौन। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने हमने ऐसे बताया ऐसे ऐसे किया भाई इन्होंने तो वो दूजे वो भी चले गए बोले ऐसे ये नॉर्मल ही है बोले आप मेडिकल करवा लो डीएसपी से। क्या बोला उन्होंने? क्या कहा उन्होंने? भी ऐसे बोला भाई जैसे नॉर्मल केस आया है तो हम नहीं ऐसे मतलब कर सकते हैं, जैसा आया है वैसे हम कर सकते हैं आगे नहीं कर सकते हैं, ऐसा है भाई आगे से ऐसा नहीं किया जाए भाई। तय बोलते पे आगे से नहीं हरे मतलब कलियां हरा नहीं कर रहा मैं एक प्यागा जाती समझाते मेरे मैं भी नरेगा च लगी हूँ मैं प्यागा जाती समझाती कई बार मेरी लड़कियां घर आदि आई ने अज ही मैं ही घर ता ये करीता तो यार जे मैं घर नहीं हुआ तो मेरी कुड़ियां दोनों एक एक और लड़की एक लड़का मेरा तो ये तो मेरी कुड़ियां मर सकती अंदर बैठी ने इन्हें तो हथ पे आ कने पहले ही मते बार केस हो चुके है। एक बार नहीं मते बार मैं पंचायती जा चुकी हूँ मेरी पंचायत च कोई सुनाई नहीं करता